इस प्रोग्राम के देखने और सुनने वालों की सेवा में उनकी खिदमत में ये खादिम नौशाद नमस्ते सलाम अर्ज करता है, कबूल फरमाइए। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि संगीत आलमगीर इसकी जबान है। आप किसी मुल्क चले जाइए, कोई सी डी ई एफ ए बी सी कहेगा, कोई कहेगा सा रे गा मा पा दा नी सा, कोई कहेगा दो रा मी फा सोला सी दो। सुर वही हैं, नाम उनके अलग अलग हैं, वही सात सुर हैं। क्या बेथोवन, क्या शोपान, क्या मोजार्ट और क्या तानसेन और क्या बैजनाथ और क्या गोपाल नायक, जितने संगीत के क्रिएटर गुजरे हैं उन्होंने इसी सात सुरों में काम किया है। तो संगीत बजाते खुद एक दीन है, संगीत बजाते खुद एक धर्म है। संगीत को हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये भगवान और खुदा की देन और उसकी ज़बान है, जिससे जिस ज़बान को वो समझता है। वरना पांचों वक्त अजान में संगीत ना होता, चर्च में प्रेयर के वक्त संगीत ना होता, मंदिर में राम धुन ना होती उसको पुकारने के लिए। तो संगीत यूनिवर्सल, संगीत आलमगीर जबान है, संगीत बजाते खुद एक दीन एक धर्म है, इसमें कोई दीवार कोई भी पर्दा नहीं है। मेरी उम्र कोई 10 बरस की थी जब से ये राजा इंदर मेरे सर पर सवार थे। बकौल शब्द से अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी, किस्मत में मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। तो मैं देवा शरीफ एक मकाम हाजी वारासली साहब एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी दरगाह पर हर साल जाता था। उर्स में वहाँ एक बांसुरी वाला आता था, उसकी बांसुरी में वो राग वो सुर छिड़ता था कि मैं नहीं जानता था क्या बजाता है, लेकिन मैं उसकी तरफ खींचता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तकरीबन हर साल मैं जाता था। और ये भी अर्ज़ करूं कि उस वक्त मुझे भी तमीज़ नहीं थी कि वो क्या राग बजाता था, लेकिन मैं लाशौरी तौर से अनकॉन्शियसली अपने बहुत से गानों में उसके उस राग को ला चुका था। खैर, मैं ये शौक में इस कदर मुब्तला हो गया, मेरे वालिद साहब इससे नाखुश थे। वो चाहते थे कि मैं कोई और काम करूं या अखाड़े में जाके पहलवानी करूं, कुश्ती लड़ूं, और ये क्या संगीत और ये क्या मौसीकी, बोलते थे कोई शरीफ घराने में शादी नहीं होगी तुम्हारी, ये क्या शौक तुमने अख्तियार किया, ये शरीफों का शौक नहीं है। मैं हाँ हाँ करता था लेकिन मैं उससे बाज नहीं आता था। उसके बाद यानी घर छोड़ने के बाद मैं बम्बई आया, और वो साल था 1937। काफ़ी स्ट्रगल किया, कोई जानता नहीं था पहचानता नहीं था। न्यू पिक्चर में उस्ताद झंडे खान साहब के साथ मुझे पियानो बजाने के लिए 40 रुपये महीने पर नौकरी मिली। उस ज़माने में फिल्म 3 महीने में बन जाती थी, तो साहब हमको 3 महीने के बाद फिर वहाँ नोटिस मिल गया कि काम ख़त्म हो गया।
अब फिर तलाशी मास में, तलाश रोजगार में, फिर घूमते रहे इधर उधर। फिर फिल्म सिटी नामी एक कंपनी थी, वहाँ कारदार साहब कलकत्ता से पहली दफ़े तशरीफ लाए थे और बागबान के नाम से एक फिल्म उस बना रहे थे। मुश्ताक हुसैन उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे। मुश्ताक हुसैन साहब के साथ हमको फिर वहाँ नौकरी मिली, उन्होंने मुझे असिस्टेंट बनाया अपना। तो निराला हिंदुस्तान, पति पत्नी, बागबान, इन तीन पिक्चरों में मैं वहाँ रहा। मेरे गुरु जी एक थे वहाँ जिनका नाम खेमचंद प्रकाश था, मैं उनका असिस्टेंट भी वहाँ साथ साथ था। उन्होंने मेरा साथ दिया, लोगों को समझाया, तो एक गाना रिकॉर्ड कर लिया था। वो गाना लोगों ने पसंद किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मधोक साहब ने मुझे बुलाया और भवनानी प्रोडक्शन, मोहन भवनानी एक साहब थे, उनकी एक कंपनी थी भवनानी प्रोडक्शन, उन्होंने प्रेम नगर के नाम से एक फिल्म शुरू की थी। मधोक साहब ने मुझे ले जाके मिलाया कि इस लड़के को चांस दीजिए म्यूजिक का। वो पिक्चर काठियावाड़ के बैकग्राउंड पर थी, सब विलेज का म्यूजिक मैं उसमें लाया, काठियावाड़ी किस्म का। उसके बाद साहब कई पिक्चरें बनी और फिर एक पिक्चर रतन के नाम से म्यूजिक के लिए मुझे उन्होंने कहा कि आप कीजिए। तो मैंने देखा कि ये पिक्चर विलेज किस्म की है, देहात के का बैकग्राउंड है, तो मुझे मौका मिला कि यूपी के फोक सॉन्ग, उस वक्त तक उत्तर प्रदेश को किसी ने नहीं छुआ था। बंगाल का स्टाइल चलता था, पंजाब का स्टाइल म्यूजिक का चलता था, उत्तर प्रदेश का नहीं था। तो मैं उसमें वो रंग लेके आया और ढोलक का इंट्रोडक्शन मैंने किया, तारुफ आवाम से ढोलक का मैंने कराया। उसके बाद से आज तक वो ढोलक यूज़ हो रही है। रतन ने बहुत धूम मचाई, गली गली कूचे कूचे उसके गाने मशहूर हुए और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसने। सेल का गीत किस तरह बनाते हैं, किस तरह सोचते हैं। फिल्म अनमोल घड़ी में एक गीत था जिसको आपने बहुत पसंद फरमाया और यकीनन आज तक नूरजहां हमारी मलके तरन्नुम जिनको कहा गया है, वो हर शो में, स्टेज के शो में वो उस गाने को दोहराती हैं। इस गीत के लिए मैं सोचता था कि कोई ऐसे सुर आए, कुछ ऐसी आस्थाई और अंतरा इसका बने कि लगे कुछ रूहानियत, कुछ आत्मा से बात निकल रही है, मगर वो बन नहीं रहा था। और मैं रात को पैदल चलते चलते ये गाना सोचता था, अक्सर गाने में यूं ही बनाता था, मैं कहीं बैठ के नहीं, फुटपाथ पर चलता रहता था। तो सैकड़ों मील चल चुका था, 8-10 रोज हो गए थे और फिर सो जाता था उसी धुन में। तो अक्सर होता ये कि जो शऊर में बात होती है वो लाशऊर में मुंतकिल हो जाती है। जब इंसान सो जाता है और ख्वाब देखता है तो लाशऊर बेदार होता है। तो मेरे ख्वाब में वो ट्यून आया जो मैं सोच रहा था। शकील बदायूनी साहब का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि 20 साल से ज़्यादा अरसे तक उन्होंने मेरे साथ काम किया। बहुत अच्छे शायर थे। वैसे तो मेरे साथ मजरू सुल्तानपुरी साहब ने भी काम किया, जो आला दर्जे के शायर हैं। खुमार बारा बंकवी ने भी काम किया, लेकिन ज़्यादा अरसे तक, मोर देन 25 ईयर्स और 24 ईयर मेरे साथ ये रहे शकील साहब। शकील साहब को, मजरू साहब को, खुमार साहब को, तनवीर नकवी साहब को, इन सबको मैं मुशायरे से लाया था। मुशायरे में ये आए थे तो वहीं से चुना था मैंने। तो सबसे पहले शकील साहब ने दर्द फिल्म में मेरे साथ गाने लिखे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, एक आग मोहब्बत की हर दिल में लगा देंगे, वो गाना लोगों ने पसंद किया। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि शायर को खुला हुआ मैदान दिया जाए, यानी उसको किसी बंदिश में ना रखा जाए कि मैंने ट्यून पहले बना लिया है और मैंने कहा अब इस ट्यून पर आप इस सिचुएशन का गीत लिखिए या गज़ल लिखिए। शकील साहब में ये खूबी थी कि उनको अगर कहा जाए कि इस गज़ल की बहर पर गीत लिखो तो जनाब कहते थे और कहीं से कोई रुकन, कोई मात्रा गिरता नहीं था, बढ़ता नहीं था। बहुत मेहनत करते थे
बहुत ही कहना चाहिए कि जफा कशी करते थे कि मैं ये करके बताऊं, रात रात भर जागना, मेरे साथ बैठ गए तो खाना पीना सब भूल गए, वो भी और मैं भी भूल जाता था, तो हमारा उनका बड़ा साथ रहा। पूर्वी जबान में कव्वाली एक कव्वाल ने शुरू की, भाग में होइए तो यसरफ की सनक होइबे करी, पूर्वी जबान है, यानी अगर मेरी किस्मत में है यसरफ यानी मदीने जाऊंगा मैं, मदीने जाने की का पागलपन सनक कहते हैं, पागलपन एक धुन मुझे मेरे दिमाग में पैदा होगी, अगर मेरी किस्मत में है तो मदीने जाने का शौक मुझे पैदा होगा, इसका मतलब ये है। तो मैं वहाँ से जब वापस आया तो गंगा जमुना फिल्म बन रही थी, उसमें मैंने एक वो गाना था दिलीप कुमार साहब उसमें और वैजयंती माला वगैरह डांस का एक सीक्वेंस था, तो मैंने कहा कि नए लड़ जाइए तो मनवा माँ का सा खोबे करी, उस कव्वाली से मैं इंस्पायर हुआ था और वहाँ से लेकर आया था। शकील साहब बेचारे, उनकी ज़बान वो नहीं थी, वो बदायूं के रहने वाले थे, लेकिन मैंने कहा मैं वो ज़बान जानता हूँ, आप बैठिए, आप शायर हैं, मैं मिसरों का आइडिया काफिया बताता जाऊँगा, आप उसको मैंने शायरी के सांचे में ढालते जाइए। आप पूछेंगे को कौन सा गाना आपके दिल पसंद है, तो मैं कहूँगा अभी वो आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक देने के बाद मुझको ये एहसास जागा कि हमारा जो संगीत है, इस देश का जो संगीत है, संगीत की कई किस्में हैं, एक है दरबारी संगीत, एक है बाजारी संगीत, एक है शास्त्रीय संगीत। तो कुछ ग्रंथ कुछ शास्त्र मैंने देखे जिसमें जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसके बारे में जो तारीफें पढ़ी और उनकी कुछ स्टडी मैंने की कि बेसिक राग इस जो है हमारे बुनियादी राग वो छः हैं, दीपक, मेघ, मालकोस, हिंडोल और श्री, ये बेसिक राग हैं हमारे, और ये शास्त्र हमारे कहते हैं कि भगवान शिव की रचना है, ये भगवान शिव ने ये राग ईजाद किए थे, और पांचवा छठा राग जो बालकों से पार्वती जी की देन है। आज गावत मन में बैजू भौरा में मैंने इसकी कोशिश की कि क्लासिकल संगीत और क्लासिकल गायक गाने वाले इसमें आए, चूंकि ये इस जलसे में गाते हैं 100-150 आदमी सुनते हैं, अगर ये फिल्म में गाएंगे तो इनकी गायकी करोड़ों आदमी एक रात में सुनेंगे और इससे लोगों को शायद दिलचस्पी पैदा हो और ये संगीत शायद आवाम के लिए दिल पसंदगी का सामान बन जाए और फिल्मों में इसका रिवाज हो जाए। तो गरज ये बैजू बावरे में मैंने इसकी ट्राई की, उसमें हर गाना किसी न किसी राग पर आधारित है और आखिरी जो कंपटीशन है उसमें ये दो उस जमाने के मशहूर गवैये पंडित पलुष्कर जी और अमीर खान साहब हैं। तो मैंने उसमें कोशिश की थी कि ये हैवी डोज अगर हम शुरू में दे देंगे तो लोग नापसंद करेंगे, तो पहले लाइट डोज देता हुआ मैं गया, रागों पर गानों की बुनियाद रखी लेकिन उनके ट्यून्स कुछ खेलते हुए चलते हुए बनाए कि लोग आवाम भी जो क्लासिकल से वाकिफ नहीं है लुत्फ ले सकें, और आखिर में जाके हैवी डोज दिया मैंने दरबार में और लोगों ने उस पर क्लैप की, ताली बजाई और पसंद किया, और उसके बाद से फिल्मों में क्लासिकल संगीत का रिवाज शुरू हुआ। उसके बाद फिर दूसरा क्लासिकल कस्म का संगीत मैं लाया आपके ये फिल्म मुगले आजम में, आसिफ साहब फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का इस ज़माने का जो तानसेन है वही गाए तो बेहतर है। कौन है वो? आसिफ साहब सिगरेट यूँ पीते थे और उसका ऐश गुल यूँ झाड़ते थे, ये स्टाइल था उनका। कौन है वो? मैंने कहा बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाते नहीं हैं।
तो कहने आप वक्त लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने वक्त लिया, आसिफ साहब मेरे साथ गए, बड़े गुलाम अली खान साहब को मैंने आदाब किया। वो कहने कैसे बेटा, कैसे तशरीफ लाया, क्या है? मैंने कहा हुजूर एक फिल्म बन रही है मुग़ल-ए-आज़म, और ये ऐसी फिल्म है कि दोबारा नहीं बनेगी, और आपके शान के शाया हैं, आप इसमें हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें। एक गाना है तानसेन का, हम आवाज़ आपकी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपसे गवाना चाहते हैं, तो आप अगर ये मेहरबानी फरमाएं। कहने साहब मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊँगा। तो आसिफ साहब ने फौरन सिगरेट का कश लेते हुए चुटकी बजाई, खान साहब गाना आप ही गाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने बड़े एक झुंझला के मुझे देखा, फिर उनको देखा, फिर मुझसे कह दिए कौन साहब हैं, किसको ले आए आप साथ में? मैंने कहा साहब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इसके। अब साहब कोई भी हो, लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा तो ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं आप ही गाएंगे। फिर आसिफ साहब ने गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, उसमें दूसरा लफ्ज नहीं कहूँगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। फिर खान साहब ने इधर उधर देखा, मैं उससे कहने इधर बाहर आइए बालकनी में, ले गए मुझे। कहने मैं कुछ ऐसी बात कह दूँ इससे कि भाग जाए? मैंने कहा हुजूर मेरे ही नुकसान होगा। कहने आपका नुकसान क्यों होगा? मैंने कहा मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, तो उससे मैं महरूम रह जाऊँगा, आप क्या कहेंगे? तो कहने लगे मैं कीमत इतनी मांगूंगा कि भाग जाएगा। मैंने कहा वो हक आपको हासिल है, आप ये कह सकते हैं। आए खान साहब फिर रूम में जहाँ आसिफ साहब बैठे थे। अच्छा साहब मैं गाना गाऊँगा, 25,000 लूँगा एक गाने के। उस जमाने में बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर 500 और 1,000 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं मिलती, उन्होंने ये रकम मांगी। आसिफ साहब बस खान साहब जी आप तो अनमोल हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, हो गई बात, ये 10,000 रुपये एडवांस रखिए। बड़े गुलाम अली खान साहब तो हैरत में पड़ गए, फिर मुझसे कहना बड़ा कदरदान में लगता है। गरज ये इस तरह से गुलाम अली खान साहब आए, उनको यहाँ रिहर्सल कराई, और जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे वो लव सीन जो है अनारकली और सलीम शहजादा सलीम का, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ गाने से उस सीन को उभारते थे, एक्सप्लेनेशन जो भी लव सीन का था। आसिफ साहब ने मुझसे चुप्पे से कहा कि खान साहब कहिए कि ताने ज़रा हल्की जो फिक्स किए गई हैं वह हल्की रखिए, चूँकि लफसीन है, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है, और वो फर्श के चेहरे पर जाता है तो वहाँ पर बड़ी मुलायम मुलायम आवाज़ में गाए। मैंने खान साहब से अर्ज़ किया तो खान साहब कहने लगे कि भाई वो पिक्चर बताइए मुझे जब गाऊँगा। साहब वो पिक्चर ले चुके थे, वो एडिट करके दूसरे दिन मंगाई गई पिक्चर, उस रोज़ कैंसिल हुआ रिकॉर्डिंग, पिक्चर का लूप बना के उनके सामने वो पूरा सीन दिखाया गया। कहने भाई ये चलता रहेगा जब गाऊंगा मैं, तो वो फिल्म चलता रहा, उसके साथ वो गाना गाए हैं। आप कभी गौर कीजिए कि जहाँ पर क्लोज शॉट्स आते हैं वहाँ खनक और मुर्की अलग है, जहाँ लॉन्ग शॉट है वहाँ अलग है, तो उसको देख के जैसे सेट किया था वैसे ही खान साहब गए, वो पिक्चर चलती रही उनके सामने। कुछ गाने बड़े दिक्कत तलब होते हैं, वो रियाज मांगते हैं। अब इसमें कोहिनूर में था वो मधुबन में राधिका नाचे, उसमें सितार है और बड़ी मुश्किल सितार है, फिर सरगम है उदे नादिर दिलता नीता दारे दीम दीम टनाना उदे नादिर दिलता नीता दारे दीम टनाना, तो उसके लिए रियाज काफ़ी करना चाहिए था पहले, बल्कि वो सॉन्ग वो सबसे पहले ही रिकॉर्ड करके शूट करना चाह रहे थे। फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की कि ऐसा मत कीजिए आप, और इस सॉन्ग गाने को हम लोग पिक्चर के आखिर में पिक्चराइज करेंगे ताकि रियाज करते रहें। फिर तकरीबन कोई साल भर तक मैं सितार का रियाज करता रहा, और वो जो दोनों दो गाने थे उसमें दूसरे में तो इतनी कोई दिक्कत थी नहीं, तब तक मैं सितार काफ़ी अच्छी सीख गया था, अब भी बजाता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन
बड़ा मुश्किल सांस है, वो खुद बहुत ज़बरदस्त रियाज और तवज्जो और साधना मांगता है। इस किस्म के सांग जो होते हैं वो मुश्किल होते हैं, लेकिन मुझे पसंद है वो। जो फिल्म में जितने भी गाने गाए हैं उनमें से वो एक गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बात कहना ज़रूरी है कि यूसुफ साहब जिस पिक्चर में काम करते थे तो बहुत दिल से और उस किरदार में, उस कैरेक्टर में खो जाते थे और ये सोचते थे और करते भी थे कि लगे नेचुरल अननेचुरल न लगे। तो वो सिचुएशन पर गाना था राग हमीर में, और बड़ा मुश्किल वो राग है, राग हमीर में, मधुबन में राधिका नाचे रहे। तो उसमें सितार के पीच थे कुछ, और ये यूसुफ साहब सितार बजा रहे हैं। यूसुफ साहब का मतलब दिलीप कुमार साहब, आपके महबूब अदाकार, तो वो सितार बजा रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए सितार के डिफ़िकल्ट मुश्किल पीसेज हैं, तो हलीम जाफ़र साहब ने सितार बजाया है तो मैं उनके हाथों का क्लोजअप ले लूँगा। तो उन्होंने कहा वाह, फिर बात क्या हुई, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं सीखूँगा और मैं अपने हाथ का क्लोजअप दूँगा। गरज ये पिक्चराइज हो रहा था गाना और मैं भी पहुँच गया। लंच का वक्त था, खाना खाने बैठे, मुझसे कहने लगे आइए खाना मेरे साथ खा लीजिए, यूसुफ साहब ने फरमाया। मैं भी बैठ गया तो इनकी उंगलियों में टेप बंधे हुए थे, पट्टियाँ बंधी हुई थी। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, कहने वो आपने जो मुसीबत मेरे सर डाल दी वो इतने वो सितार के डिफिकल्ट पीस, तो उसमें ये रियाज करते करते मेरे तार से उंगलियाँ कट गई हैं। और वो क्लोजअप उन्होंने दिए अपने हाथ के। एक बात कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मन तड़पत हरि दर्शन को या दुनिया के रखवाले दरबारी राग में जो था या मधुबन में राधिका नाचे, ये सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्लासिकल संगीत पर आधारित हैं। ये मैंने राग नहीं बनाए, ये पुरखों ने राग बनाए थे आज से सदियों पहले। मैंने तो पुरानी शराब को नई बोतलों में भर के आपके सामने पेश कर दिया, आपकी अमानत आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आपने उसको कबूल किया, और मेरी ख्वाहिश है कि इस किस्म का संगीत फिल्मों के जरिए आए और आप तक पहुंचे। हमारे देश में जो रस्म और रिवाज के गीत हैं, एक मिसाल देना चाहूँगा उनमें से एक बाबुल का गीत, जिसको जब दुल्हन रुख्सत की जाती है उस वक्त वो गाया जाता है और औरतें मिलकर गाती हैं, और जब दुल्हन रुख्सत होती तो माता पिता रोते हैं, विदाई हो रही है। और ये विदाई दो तरह की होती है, एक तो दुल्हन बन के जा रही घर से, चूँकि संसार को हमेशा बाबुल का घर कहा गया है, और दूसरी विदाई होती है जो संसार से विदा होता है इंसान। तो वो रुखसदी का गीत सेम बोल, वही छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा, सारे वही अल्फाज हैं, वही पोएट्री है, वही धुन है, वही तर्ज है। हैप्पी में ढोलक वगैरह ये रिदम रखा हुआ है, लेकिन जब आखिर में नरगिस की जब डेथ होने लगती है, दिलीप कुमार को कहती कि बाबूजी आपने दुल्हन बनाया मुझे, वो गीत सुना दीजिए जो आप बाबुल का गीत गाते थे, तो वो रोते हुए गाते हैं। उसको सेट कैसे बनाया मैंने, रंजीता कैसे बनाया, ट्यून वही है, बोल वही, मैंने उसके स्पीड, उसकी लय, उसकी रफ्तार स्लो कर दिए और रिदम उसमें से निकाल दिया। नो ढोलक, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है उसमें, एक एक टिम्पनी की बीट है कि ऐसा लगे ढम ढम, यानी कि उसके घूसा पड़ रहा है, जैसे वो जो गा रहा है उसको भी रंज है कि जैसे वो जानता है कि रुखसत होने वाली, और ये
दुल्हन बन गई है। मेरे महबूब का जो टाइटल सॉन्ग है उसकी रिकॉर्डिंग का मुझे किस्सा याद आता है कि नौशाद साहब को जब वो फिल्म दी गई म्यूजिक बनाने के लिए और ये गाने की रिकॉर्डिंग आई, ये उस फिल्म का पहला गाना था जो रिकॉर्ड हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ 4 या 5 म्यूजिशियन थे। और अवेल साहब जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो भागे हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई नौशाद साहब तो कमाल कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन हैं उनके पास और ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। चूंकि उस फिल्म में नौशाद साहब को मैं ही लाया था इसलिए रवेल साहब ने नौशाद साहब कहने की बजाय वो शिकायत मुझसे की। तो मैंने उनसे कहा कि नौशाद साहब जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, आप घबराइए नहीं, आप इसके रिजल्ट को देखिए, जब गाना रिकॉर्ड हो जाए फिर सुनिए ये कैसा है। अब जब गाना रिकॉर्ड हुआ सबने सुना, हमने भी सुना, उसके बाद जब पिक्चराइज हुआ पब्लिक ने भी सुना और आज तक वो गाना इतना मकबूल है। और मैंने नौशाद साहब को जब बताया कि रवेल साहब बहुत घबराए हुए थे कि आपके यहाँ ज़्यादा म्यूजिशियन नहीं है, तो वो मुस्कुराए और कहने लगे भाई देखो एक शायर एक स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अपनी गजल या अपनी नज्म सुना रहा है तो उसके पीछे बहुत सा ऑर्केस्ट्रा और बहुत से म्यूजिशियन कैसे हो सकते हैं मुझे बता दो। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल सही फरमाते हैं, और वो गाना याद है लोगों को आज भी और हमेशा रहेगा। टूटे ना दिल टूटे ना अंदाज में इस तरह से आए रात को 2 बजे छिड़ते छिड़ते टी भैरवी में इस तरह से ये, और मेरा दिल पसंद राग भी है भैरवी। मैंने अर्ज किया था भैरवी तो राग है ऐसा सदाबहार मिलता है जिससे दिल को सुकून रूह को करार, कि मैं एक रात को छेड़ रहा था भैरवी चूंकि मुझे बैजू बौरे का एक गाना बनाना था और भैरवी का ठाट ये है कि छेड़ते छेड़ते अब आया वो लोगों ने कहा नौशाद साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि पता नहीं लोग सच कहते हैं या मुझे खुश करने के लिए कहते हैं, ये बात कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मेरी प्यास तिश्नगी बुझी नहीं, काम अच्छा नहीं हुआ मुझसे, लेकिन ये अर्ज करूँगा कि वो प्यास आज नहीं तो कल बुझेगी, मेरी ऐसी तवक्को है। अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के बहाने बहुत हैं। इसमें एक शेर था मेरा कि दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। भाई क्यों चले गए तुम ये डिस्को और इसके वो इसके तमामी इस चीज़ के ऊपर, जब तुम्हारे पास इतने फोक हैं इतने राग हैं इतने रागनियाँ हैं। आर्ट ये है तो अभी साज़ दिल में तराने बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में ख़जाने बहुत हैं। हैं दिन बद मज़ाकी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फ़न के दीवाने बहुत हैं।